क्लास नाइन्थ मैथ्स चैप्टर टू एक्सरसाइज 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टेन। एक आइडेंटिटी है आपके पास, तो आइडेंटिटी है बेटा आप लोगों के पास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपके बुक में ये आइडेंटिटी नंबर फोर पे दे रखी है, प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए इंटू बी, ये आइडेंटिटी है। तो यहां देखो x की जगह तो x है, a की जगह 4 और b की जगह 10 है, तो इसके यही आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 4 प्लस 10, उसके बाहर x है तो यहां भी x लगा दो, प्लस में a इंटू बी यानी 4 इंटू 10। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14 एक्स प्लस 4 इंटू 10 40, ये आपका आंसर है। सेकंड देखो क्वेश्चन है, एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 10, यही आइडेंटिटी इसमें लगेगी, लेकिन इसमें ए की जगह तो देखो एक्स की जगह तो एक्स ही है, ए की जगह 8 है और बी की जगह माइनस 10 है, क्योंकि आइडेंटिटी में तो हमारे प्लस भी है ना, तो आइडेंटिटी तो हमारी है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए इंटू बी, ये आइडेंटिटी है। तो अब देखो एक्स की जगह एक्स है, ए की जगह 8, बी की जगह माइनस 10 है, तो ये लिख देंगे हम ताकि आगे ध्यान रहे, समझना। आइडेंटिटी लग जाएगी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह तो एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए की वैल्यू 8 प्लस में माइनस 10, तो ये और ये ब्रैकेट बना लो, फिर बाहर एक्स है एक्स की जगह एक्स ही है तो एक्स ही लिख दिया, प्लस में ए इंटू बी, ए की जगह 8 है इंटू में माइनस 10 है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, 8 इंटू 10 माइनस 80, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड देखो बड़े ध्यान से करना है, 3x प्लस में 4 है और फिर है 3x माइनस 5। पहले वाली आइडेंटिटी सेम वैसी ही लगेगी, देखना एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए इंटू बी, लेकिन यहां देखो अब इसमें एक्स की जगह पे क्या है, पहले एक्स है ना, यहां एक्स की जगह 3x, तो एक्स की जगह पे यहां पे इसमें है एक्स बिकम्स 3x, ए की जगह पे 4 है और बी की जगह पे माइनस 5 है, ये पहचानना आपको आना चाहिए, ये पहचानना आ जाएगा तो इन सब चीजों को यहां इन इस आइडेंटिटी में रख दो। एक्स स्क्वायर तो एक्स की जगह 3x है, 3x रखो ब्रैकेट में और स्क्वायर डाल दो, फिर प्लस में ए प्लस बी, ए की वैल्यू 4 प्लस में बी की वैल्यू माइनस 5, तो इसे ब्रैकेट में डाल दो, बाहर एक्स है और यहां पर एक्स की जगह 3x है तो बाहर 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस में a इंटू बी यानी 4 इंटू माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 प्लस में माइनस 5 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3x और 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20, ये आपका आंसर है। देखो ध्यान से आया समझ में, देखो तीनों में अभी तक तीनों क्वेश्चंस में यही आइडेंटिटी लगी है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए इंटू बी। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लो और पहचानो कि कब और किस तरह के क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटी लगती है। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन टू और फिर आपके पास वाई स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन टू। देखो फर्स्ट और फर्स्ट सेम है, सेकंड और सेकंड सेम है। इससे ऊपर वाली आइडेंटिटी में फर्स्ट पार्ट तो सेम होता था दोनों ब्रैकेट में, पर सेकंड पार्ट अलग अलग होता था। इसमें फर्स्ट पार्ट भी सेम और सेकंड भी सेम है, लेकिन पहले में प्लस और बाद में माइनस। तो आइडेंटिटी है आपके पास एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास एक आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इसमें देखो पहले x, तो x की जगह पे फर्स्ट में ब्रैकेट में पहले x लिखा ना आइडेंटिटी में, यहाँ पहले क्या लिखा है वाई स्क्वायर, तो x की जगह वाई स्क्वायर। फिर प्लस में y, तो y की जगह यहाँ क्वेश्चन में थ्री बाई टू, बाद के ब्रैकेट में भी यही है x माइनस वाई यानी वाई स्क्वायर माइनस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की जगह जो है वो लिखो वाई स्क्वायर, एक्स की जगह वाई स्क्वायर लिख दिया और इसका स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लगा दिया। फिर माइनस का साइन वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या है थ्री बाय टू, तो थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, यानी ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज हमने क्वेश्चन देख के ढूंढी हैं ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पुट कर दो और सिंप्लीफाई। वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर फोर माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन अपॉन टू का स्क्वायर फोर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो, नोट करो। फिफ्थ पार्ट देखो, थ्री माइनस टू एक्स और 3 प्लस टू एक्स, सेम वही आइडेंटिटी जो फोर्थ में लगी थी। तो वही आइडेंटिटी जो फोर्थ में लगी थी x प्लस वाई और x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो ब्रैकेट दोनों में सेम नंबर, एक में प्लस एक में माइनस। तो x की जगह पे यहाँ पे 3 और y की जगह पे यहाँ पे 2x, तो आइडेंटिटी हो जाएगी x प्लस वाई x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, ऐसे लगाओगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ में ये एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड के अकॉर्डिंग कहते हैं कि इवेल्युएट, फाइंड आउट करो बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई के 103 into 107 को आप लिखोगे 100 प्लस में 3 और इंटू, यानी कोई साइन मत लगाओ, 107 को लिखोगे 100 प्लस 7। ये वही आइडेंटिटी जो क्वेश्चन फर्स्ट के पहले तीन क्वेश्चनों में लगी है x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस में बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। हम पहले तीन पार्ट में ये आइडेंटिटी लगा चुके हैं, एक्स की जगह इसमें क्या है 100, ए की जगह क्या है 3 और बी की जगह क्या है 7। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 3 प्लस 7 इंटू बाहर एक्स है यानी बाहर 100 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन ए इंटू बी यानी 3 इंटू 7। इन सब चीजों की जगह आपके पास नंबर आ गए, 100 का स्क्वायर 40, 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100 1000 प्लस 7 इंटू 3 21, इन्हें प्लस करेंगे 10,000 और 1,000 11,021 आपका आंसर है, क्लियर है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है 95 into 96, आपको समझ आ गया होगा 95 को लिखेंगे 100 माइनस 5, 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4। सेम वही आइडेंटिटी जो हमने ऊपर यूज की ये वाली, इसमें बस आपको पहचानना है x इज इक्वल टू 100 है, x की जगह a की जगह माइनस 5 है और b की जगह आपके पास माइनस 4 है। तो अब आपके पास आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा x स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी यानी माइनस फाइव प्लस में माइनस फोर और इसे एक ब्रैकेट में डाल दो ए प्लस बी इंटू में एक्स है यानी बाहर इंटू में हंड्रेड हो जाएगा। फिर प्लस में ए इंटू बी यानी माइनस फाइव इंटू माइनस फोर। सिंप्लीफाई कर देंगे, हंड्रेड का स्क्वायर एक दो तीन चार प्लस माइनस फाइव माइनस फोर माइनस नाइन, माइनस नाइन इंटू हंड्रेड माइनस नाइन इंटू हंड्रेड, माइनस फाइव माइनस फोर प्लस में ट्वेंटी तो ये ट्वेंटी तो वन टेन थाउजेंड माइनस नाइन हंड्रेड प्लस में ट्वेंटी। टेन थाउजेंड में से नाइन हंड्रेड माइनस करेंगे नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड, तो टेन थाउजेंड में से नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी, नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी, टेन थाउजेंड में से नाइन हंड्रेड माइनस करेंगे नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड, उसमें ट्वेंटी ऐड कर देंगे। इसी का थर्ड पार्ट सेम क्वेश्चन, अब की बार आपके पास 104 मल्टीप्लाई 96 तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 4 और ये हो जाएगा 100 माइनस 4। इसमें दूसरी वाली आइडेंटिटी लग सकती है x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। इसमें पहचानो कि x की जगह क्या है तुम्हारे पास 100 है और y की जगह क्या है तुम्हारे पास 4 है, तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, 4 का स्क्वायर 16, तो 10,000 में से 16 तो 9,984, 10,000 में से 16 माइनस करेंगे तो 9,984 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट कहता है फैक्टराइज करो आइडेंटिटी यूज करके, वैसे नहीं जैसे पिछली एक्सरसाइज में किया था, 9x² प्लस 6xy प्लस y², एक्चुअली एक आइडेंटिटी है तुम्हारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, उनसे आप मैच करोगे तो ये इस आइडेंटिटी से मैच करता है। आइडेंटिटी में भी तीन टर्म है, इसमें भी तीन टर्म है, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 3x का होल स्क्वायर हो जाएगी और ये बाद वाली टर्म क्या हो जाएगी y का होल स्क्वायर हो जाएगी। तो बीच में क्या 2ab, यहां भी बीच में हो जाएगा 2 इंटू ए यानी 3x और b यानी y। आप देखो इन्हें मल्टीप्लाई करके यही आता है। आपको पता लगा इसमें कि a की जगह आपके पास क्या है 3x है और b की जगह आपके पास क्या है y है, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसका फैक्टर क्या हो जाएगा a प्लस b यानी 3x प्लस में y होल स्क्वायर। फैक्टराइज करना है तो इसे दो बार लिख देंगे 3x प्लस y और 3x प्लस में y। आंसर बिना मिडल टर्म स्प्लिट किए आइडेंटिटी से मैच करा के हमने सीधा फैक्टराइज इसको कर दिया है। क्लियर है। सेकंड 4y² माइनस 4y प्लस में 1, आइडेंटिटी याद करो, आइडेंटिटी आपके पास a² माइनस 2ab प्लस b² और ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। आप देखो ऊपर वाले में और इसमें क्या फर्क है, ऊपर वाले में तीनों प्लस में थे, इसमें बीच वाला माइनस में है, इसलिए आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के बेस पे है। तो 4y² किसका स्क्वायर है 2y का होल स्क्वायर है और ये 1 किसका स्क्वायर है 1 का ही स्क्वायर है। आपको a और b ढूंढना है, माइनस 2ab तो अपने आप आ जाएगा, माइनस 2a की जगह 2y और b की जगह 1 प्लस में। आप सिंप्लीफाई नीचे वाले को देखो कि ऊपर वाले की जगह हम ये सब लिख सकते हैं क्योंकि 4y² 2y का होल स्क्वायर होता है, 2 जा 4y इसकी जगह ऐसे लिखेंगे और 1 की जगह ऐसे लिख देंगे। अब आपको पता लगा कि a की जगह आपके पास क्या है 2y है और b की जगह आपके पास क्या है 1 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा a माइनस b यानी 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो इसे दो बार लिख दो 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 आंसर आ गया आपका। ये आया कुछ समझ में।
थर्ड पार्ट, ओके सर, थर्ड पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। आप फिर जब आइडेंटिटीज में ढूंढोगे तो आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी यूज की है। तो यहां पे ए की जगह क्या है, ए की जगह यहां पे है एक्स, और बी की जगह यहां पे क्या है, बी की जगह यहां पे है वाई अपॉन में टेन, क्योंकि ये वाई अपॉन टेन का स्क्वायर है। आपके पास ये किसका, ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन टेन का स्क्वायर है। तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस वाई अपॉन टेन और एक्स प्लस वाई अपॉन टेन, ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए आंसर। आपको फैक्टराइज करना था आइडेंटिटी के हेल्प से, फैक्टराइज हो गया, क्लियर है।